कुछ भी ना है इसके सामने। अगर महिंद्रा वाले कहने लगे वीडियो में ही कमेंट करने लगे कि भाई टू चैन कर रहे हैं या जुताई पे मुकाबला कर रहे हैं, किसी भी चीज में आ जाए मैं पीछे नहीं हटता महिंद्रा से, नहीं हटता महिंद्रा से। अच्छा भाई 744 XT है या FE है? FE है उसके पास। अच्छा FE है, चलो। तो उसने और मैंने साथ में चलाया था। अच्छा अच्छा। जमीन जोती थी तो एक बीघा जो है मैंने 7 मिनट में कंप्लीट कर दी। और उससे अभी तक की बात है कहीं भी फंसा नहीं है। ट्रैक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लगाने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा कभी किस हमारे यहाँ पे महिंद्रा वाले भी आएंगे, वो जो है किराया करते हैं, उनसे जो है मुश्किल से 2 अंगल भी जुताई नहीं होती है सही से, 2 अंगल तक नहीं बैठता उनका रूटर। और मतलब महिंद्रा से बहुत। राम राम भाइयों, आज की वीडियो कस्टमर रिव्यू की है और अपने पास है सुपर मैक्स 45। और एक और बात बता देता हूँ, ये सुपर स्मार्ट है जो 50 HP में ट्रैक्टर आता है फार्म ट्रैक का। दो आते हैं इसमें, एक आता है स्मार्ट और एक आता है सुपर स्मार्ट। सुपर स्मार्ट मतलब आपको कंपनी वहाँ पे देखो टैग लगा के भी देती है 50 HP कंप्लीट, मरघाट पे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो 50 HP ट्रैक्टर है, 7 फुटा रूटावेटर है पीछे, कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है खेत में? सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा किसान भाई से, क्योंकि किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 45 जो है छोटा रह जाता है आज के समय में, जैसे जैसे बड़े बड़े इंप्लीमेंट आ रहे हैं। तो एक बार मैं किसान भाई से आपका परिचय करवा, भाई अपना परिचय करवा दो किसान भाई को, नाम और पता बता दो। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। थोड़ा तेज बोलिए भाई। गाँव का नाम महेशपुर खेम है। अच्छा अच्छा, तो इकबाल भाई एक बात बताओ, जैसे आपने फार्म ट्रैक 45 ले रखा, तो ट्रैक्टर का मैं सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि भाई 45 को लोग ये कह दें कि भाई इसका खर्चा झेलना ऐसा है जैसे पुराने जमाने में हाथी को पालना था, हैं? तो क्या ये बात सही है? उन्हें क्या जवाब दोगे आप किसान भाइयों को, पहले ये बताओ। अरे इसका तो खर्चा बहुत कम है, और जो है तेज बोल दो, थोड़ा सा आवाज नहीं आएगी किसान भाइयों, फिर वो कहेंगे यार तुमने अरे इसका तो खर्चा बहुत कम है, और जो है मतलब काम भी इसका जो है बड़े ट्रैक्टर की बराबर ही है, बड़े की बराबरी कर दे, बड़े के बराबर है, कोई से भी एप्लीमेंट चला सकते हो तुम। अच्छा जैसा आप भैया इस पर 7 फीट रूटावेटर पे चला रहे हो इकबाल भाई, तो इस पर कितना तेल मार रहा होगा ट्रैक्टर एक घंटे में, और बीघे के हिसाब से वो भी बता दो। बीघे के हिसाब से तो ऐसा मान के चलो, अगर सही काम करेगा आदमी तो 1 लीटर मारेगा ही, बढ़िया जुताई करेगा तो 1 लीटर बीघा में वही औसत आवे है, मतलब सब ट्रैक्टरों का जाए 7 मिनट में कंप्लीट कर देगा 1 बीघा। 7 मिनट में तो मतलब ऐसा मान के चलो आप 8.5 बीघे जमीन निकाल देगा 1 घंटे में ट्रैक्टर, 1 घंटे में निकाल दे। कुछ भाई यूं कहें चाल कम है 45 की? ना ना ना, चाल स्वराज का जो स्वराज वालों का जो अपना 744 है उसकी चाल कम है इस पे। अच्छा। मतलब इसके मुकाबले उसकी कम है। अच्छा दूसरे के लो में चलाते हो या पहले के लो में? दूसरे के लो में। दूसरे किलो में गिलारी कितनी है अपनी रूटावेटर में भाई? रूटावेटर में तो 1520 है या 1619 है, मतलब ये बता दो। अच्छा चक्कर तो सही है, मतलब बारीक कर दे जमीन जैसे तुम्हारे यहाँ मोटी जमीन है एकदम, जैसे लोग ये कहते हैं किराए के काम में कि भाई यार बारीक नहीं कर रहा भाई, बढ़िया किराए के जब से मैंने लिया लोग मुझसे ही कराते हैं काम, बंद करवा दिए सबके काम बंद करा दिए। अच्छा इकबाल भाई एक मेन सवाल है आपके क्षेत्र में, मैं बहुत दिन से देखता हूँ महिंद्रा के ट्रैक्टर रहते हैं अर्जुन या स्वराज, आप कैसे लीक से हटके 45 फार्म ट्रैक पे पहुंच गए? हमारे यहाँ पे महिंद्रा वाले भी आएंगे, वो जो है किराया करते हैं, उनसे जो है मुश्किल से 2 अंगल भी जुताई नहीं होती है सही से, 2 अंगल तक नहीं बैठता उनका रूटर। और भी मतलब महिंद्रा से बहुत अच्छा है यार, ये महिंद्रा तो कुछ भी ना है इसके सामने। अगर महिंद्रा वाले कहने लगे वीडियो में ही कमेंट करने लगे कि भाई टू चैन कर रहे हैं या जुताई पे मुकाबला कर रहे हैं, किसी भी चीज में आ जाए मैं किसी पीछे नहीं हटता महिंद्रा से, नहीं हटता महिंद्रा से। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे तो जैसे कुछ भाई ये कह दें कि भाई रोड का लोड का किंग है, तो रोड पे कैसा चलता है ट्रैक्टर? रोड पे बहुत बढ़िया जम के चलता है, क्योंकि जो रोड वाले हैं किसान मतलब जिनका भाड़े का काम है वो महिंद्रा लेते हैं ज्यादातर या स्वराज, अब आपने ही ले लिया, चलो खेत की तो आपने बात बता दी, रोड पे कैसा मजा दे ट्रैक्टर? अरे रोड पे बहुत बढ़िया, मारुति की तरह चलता है सेम, पता नहीं चलता मारुति की तरह फील होता है इसकी, तो सीट भी मतलब ऐसे दे रखी है मारुति की तरह फील होता है, मतलब आरामदायक भी है ट्रैक्टर, आरामदायक भी है और बहुत मजा आता है चलाने में। अच्छा भाई एक बात बताओ, किस कीमत में लिया था उस टाइम पे, और कौन कौन से ट्रैक्टर देख रहे थे आप, क्योंकि ट्रैक्टर मार्केट में बहुत है ना, देखो महिंद्रा है, न्यू हॉलैंड है, मेसी है, सोनालिका है, तो फिर फार्म ट्रैक कहीं चलता देखा या लुक भाई बढ़िया लगा? जो जो हमारे मिलने वाले हैं ना उन्हीं पे फार्म ट्रक जो है 60 है। अच्छा 60 60 है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने हमें राय दी थी कि तुम 45 ले हो, 60 मत ले, 60 मत ले हो। अच्छा। क्योंकि इसमें 50 HP आ रही है और जो है इसका
60 के मुकाबले फ्यूल भी खर्च कम है और जो है काम पूरा ही कर रहा 60 की बराबर, काम टक्कर पूरा दे, किसी भी चीज पे डाल दो ये भाई, ट्राली पे पीछे नहीं हटने का, जुताई में का किसी भी काम। अच्छा अपना मील का हाड़ा कितना है, ट्रॉली उस पर लेके जाते हो, ट्रॉली पे कैसा दम दिखा हुआ है ट्रैक्टर? नहीं हमारे यहाँ पे कुछ चलता है, 50 क्विंटल जाता है हमारे यहाँ से, खेत में से ही निकाल के ले जाओ, 50 क्विंटल। अच्छा जैसे बारिश पड़ जाए तो ऐसे तो ना होती थी, होती होने फंस गया फंस गया? ना ना ना, अभी तक की बात है, अभी तो नहीं, पिछले साल लिया था, अभी तक की बात है, कहीं भी फंसा नहीं है। ट्रैक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लगाने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा कभी किसी से वैसे चाल में देखा चला के साथ, जैसे रोटावेटर पे चला रहे हो, अदर कंपनी के भी ट्रैक्टर है जैसे 45 वो हो गया 744, मेरे दोस्त पे स्वराज है। अच्छा 744 XT है या FE है? FE है उसके पास। अच्छा FE है, चलो। तो उसने और मैंने साथ में चलाया था। अच्छा अच्छा, जमीन जोती थी तो एक बीघा जो है मैंने 7 मिनट में कंप्लीट कर दी थी। और उससे 10 मिनट लगे थे कंप्लीट होने। तो इस हिसाब से तो बहुत कम जमीन निकालता भाई, 6 बीघे निकाल लेगा, यो 8.5 बीघे निकाल लेगा, चाल बहुत कम है। अच्छा इकबाल भाई, उस टाइम अगर फ्यूल का अंदाजा कर ले, जब आपने 8.5 बीघे जमीन निकाल ली तो फ्यूल कितना ले लेता? फ्यूल ले लेता है ऐसी मान के चलो 8 से 7 के करीब में ले लिया। 7 मतलब उस टाइम पे जब 8.5 बीघे जमीन एक घंटे में निकालेगा तो लीटर बीघे के औसत से तो भाई 8.5 लीटर तेल लेना चाहिए। लीटर के उससे तो निकालेगा, आप ऐसे जैसे हम जोत रहे हैं मतलब कम बढ़ती वो हो जाए तो कुल मिला के जो है 7 के आसपास मान के चलो 7 के आसपास। चलो अच्छा हैरो पे टीलर पे चलाया कभी ट्रैक्टर? हैरो पे चलाया था। अच्छा हैरो पे ये वाला ट्रैक्टर जो है सादे एक्सल वाला है ना, अब आ रहा है EPI, तो इसे जो किसान भाई हैं ये कहते हैं कि स्लिप बहुत लेता है मेसी की तरह, तो आपको ऐसी समस्या तो नहीं लगी जैसे 14 के टायरों में है कि स्लिप की समस्या रहती है? मेरे जो दोस्त पे महिंद्रा 575 है। अच्छा अच्छा, उसी की मैं हैरो लेकर आया था। अच्छा हैरो तो है नहीं, हैरो 14 की थी 16 की हैरो थी उसकी, 16 की थी शायद, 16 की हैरो थी उसकी। अच्छा अच्छा, और जो है फुल गिरा के लीवर और पहले के हाई में और 1500 RPM करके ऐसी जुताई कर रहा था, वो भी कह रहा था भाई यार बाकी में तेरा ट्रैक्टर मतलब उसका बिकवाने के चक्कर में हो गया 575। वो कह रहे था भाई बाकी भी कह रहा था भाई तेरा ट्रैक्टर यार बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, और जुताई भी ऐसी बहुत खतरनाक करी है, मतलब कुल मिला के संतुष्ट कर देता है, बढ़िया खुश कर देता, क्योंकि कोई भी लेके पछतागा नहीं, कोई भी ले सकता है बंदा, तो ये लेके पछतागा, कोई सा भी एप्लीमेंट चला सकता है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है हर चीज में। हर चीज़ अच्छा में। अब एक लास्ट चीज, कंपनी के फीडबैक से क्या संतुष्ट हो? कंपनी मतलब जैसे आपने लिया है भाई, कस्टमर से बात करती रहती है, आपसे बात करती है कि भाई ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, या जहाँ से आपने डीलरशिप से लिया है उनका फोन वोन आता रहे या नहीं? ना वो बढ़िया, कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, और जो है तुम चाहो तो जो है सर्विस के लिए बंदा मतलब कोई दिक्कत आ रही है अगर आपकी तो तुरंत उपलब्ध हो जा, तुरंत उपलब्ध, क्योंकि जो कंपनी ने लिख रखा ना केयर 24/7, इसका कुछ फायदा भी लगता जी? फायदा है, तुरंत आ जाते हैं एकदम से, आ जाते हैं। क्योंकि कुछ किसान भाई वो या तो अदर कंपनी के रहे हैं, हमने लिया था ना, जब लिया था तो इसके जो पावर स्टेरिंग ऑयल है, ऑयल का जो डब्बा है वो लीकेज मार गया था। अच्छा अच्छा, हमने कॉल करी तो जो है बंदा दूसरे दिन को ही आ गया, मतलब एकदम से क्विक है रेस्पॉन्स, एकदम से दिखाते हैं, बिल्कुल बढ़िया, ऐसा ना वो फोन कर रहा किसान खेत पर खड़ा हुआ और पहुँच नहीं रहा, ऐसा नहीं। अच्छा, हम तो जब नए थे हमें कोई नॉलेज भी नहीं थी, तो पावर स्टेरिंग ऑयल का जो है डब्बा लीकेज कर रहा था, हमने कॉल करी तो सुबह को ही आ गया था। अच्छा, तो मतलब जो यार दोस्त हैं उनसे कंपटीशन ऐसा मान लो कर रखा 744 से भी और 575 से, क्योंकि भाई दोनों ही हैं इसके कॉम्पिटिटर, उनका ही सीधा जो मीडियम किसान है, 4 सिलेंडर है और ये 3 सिलेंडर है, बराबर दम रखता है उनसे वो ज्यादा। पर एक बात है भाई इकबाल भाई, बड़ा भी तो है उनसे, बड़ा भी तो है, वो 47 में, वो 44 हॉर्स पावर में, ये 50 में, वैसे तो दम पूरा रखा है, साइज में भले से उनके बराबर है। अच्छा इसे चला के दिखाओ एक बार, थोड़ा सा फाट दोनों लीवर गियर के, ट्रैक्टर कैसा दम दिखा रहा है, कौन से गियर में चलाओगे इकबाल भाई? ठीक है, फाट ला के दिखाओ बस, रखो भाई दूसरे के लो में, कितने चक्कर? 1500 भाई, आवाज देखो बेटे, भाई पानी कम है जिस वजह से थोड़ा ट्रैक्टर दाब किसी में लगे, पर भाई दम पूरा दिखा रहा है बेटे,
जैसे दूसरे के लोग में चल रहा, बिल्कुल भी ट्रैक्टर के आरपीएम में 19-20 भी नहीं है। अन्य ट्रैक्टर दम सा तोड़ के बंद होने की चांस आ जाए कादल में, वो बेटे भाई कमेंट करके बताना ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है भाई दूसरे के लो में। मेरे हिसाब से ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री चल रहा, ऐसा भी नहीं जैसे 19-20 भी ट्रैक्टर थोड़ा दाम में आ रहा हूँ। अगर पानी भरपूर होता तो बंद कर लो। बस भाई इकबाल भाई पास हो गया ट्रैक्टर तो तुम्हारा, बिल्कुल भी आरपीएम ऐसा नहीं लग रहा दूसरे गियर में कि भाई ड्रॉप कर रहा। चलो कादर पे चल जा, तुम सूखे में वीडियो बनाइयो। बिल्कुल 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 भाई ऐसा है, देखो करेगा और जो है पूरा लीवर छोड़ के जब तक आगे दिखाऊंगा। देखो किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है इस सुपर स्मार्ट की, वो ऐसा समझ लो आप स्वराज और 575 की टक्कर पे होने वाली है, क्योंकि भाई तीनों ऐसा समझ लो मौसेरे भाई हैं। 575, 744 और ये तीनों की एक साथ परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो इन्हीं तीनों के साथ मिलेगी। तो भाई अगर 44 स्वराज के साथ भी दिखाएंगे रूट चला के, बिल्कुल 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 सभी रहेगा मुकाबला बिल्कुल। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी जो 45 की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और भाई की जो भाई ने बात बताई है अगर वो भी बढ़िया लगी है तो जरूर कमेंट करना। और भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।